मिस्टर सोढ़ी, गुरुचरण सिंह मांग रहे हैं काम। लापता होने पर पहली बार थोड़ी चुपी और बोले, मैं लौटना नहीं चाहता था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मिस्टर सोढ़ी यानी गुरुचरण सिंह जब अप्रैल 2024 में लापता हुए तो हर तरफ सनसनी मच गई थी। फैंस और घरवाले सदमे में चले गए थे और पिता ने एक्टर को लेकर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। हालांकि 22-25 दिन बाद गुरुचरण सिंह खुद वापस घर लौट आए थे और कहा था कि कुछ काम अटके हैं और वो पूरे होने के बाद वो सब कुछ डिटेल में बताएंगे। अब गुरुचरण सिंह ने पहली बार अपने लापता होने पर खुलकर बात की और बताया कि वो कहां चले गए थे और क्यों। बहुत से लोगों का दावा था कि गुरुचरण सिंह का लापता होना उनकी एक पब्लिसिटी स्टंट था। इस पर भी एक्टर ने जवाब दिया। गुरुचरण सिंह को 22 अप्रैल को दिल्ली के पालम से मुंबई जाना था और उनकी फ्लाइट थी। वो घर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले तो थे पर मुंबई की फ्लाइट नहीं पकड़ी और लापता हो गए। यहाँ तक कि वो अपना फोन भी घर छोड़ गए थे। गुरुचरण सिंह ने वापस लौटने के बाद पुलिस को बताया कि कुछ परेशानियों से वो जूझ रहे थे और आध्यात्मिक सफर पर निकल गए थे। अब गुरुचरण मुंबई में है और उन्होंने अपने लापता होने पर बात की। उन्होंने कहा, महामारी के बाद से कई चीजें हुई जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। मैं 2020 में मुंबई छोड़कर दिल्ली वापस चला गया क्योंकि मेरे पिता की सर्जरी थी। इसके बाद मैंने अपने दम पर कई बिजनेस शुरू करने की कोशिश की लेकिन उनमें से कोई भी नहीं चला या तो काम ठीक से नहीं हुआ। जिन लोगों के साथ मैंने हाथ मिलाया वो गायब हो गए। हमारा कई साल से संपत्ति विवाद भी चल रहा है और उस पर काफी पैसा खर्च हुआ है, तो इन सब के कारण मेरी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा और मैं बहुत परेशान हो गया। गुरुचरण सिंह ने आगे बताया, मैं माता पिता के कारण हमेशा आध्यात्मिक रहा हूँ और जीवन के इस मोड़ पर जब मैं उदास महसूस कर रहा था तो इन्हें मैंने भगवान की ओर रुख किया। मैं आध्यात्मिक यात्रा पर गया था और वापस आने की मेरी कोई योजना नहीं थी लेकिन भगवान ने मुझे एक संकेत दिया और उसने मुझे घर लौटने पर मजबूर किया। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने पब्लिक स्टंट के लिए गायब होने की योजना बनाई लेकिन ये सच नहीं है। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर इंटरव्यू देता जिसके लिए मुझे लंबे समय से मेरा बकाया पैसा नहीं मिला है। मैं ऐसा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिलहाल बिग बॉस और टीवी सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।